जय मसीह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, और आज हम परमेश्वर का वचन का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम देखने जा रहा है वचन लूकस का सुसंदेश चैप्टर 10 वर्सेस 38-42 में पढ़ने से मिलता है। एक दिन यीशु मसीह एक गांव में जाता है प्रचार के लिए। उस वक्त मार्था नामक एक स्त्री यीशु मसीह को स्वागत करता है अपने घर में। और मार्था की बहन एक थी मेरी, वह यीशु मसीह के शरण में बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रही थी। ठीक उसी समय में मार्था यीशु मसीह को शिकायत करता है। लूकस गॉस्पेल लूक चैप्टर 10 वर्स 40 में पढ़ने से मिलता है। मार्था बहुत चिंतित थी और प्रभु यीशु से कहती है, प्रभु देखिए ना, मेरा बहन मेरी आपका पास में बैठ के आपका बात को सुन रहा है, लेकिन घर में इतना काम पड़ा हुआ है, अभी इसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा, ऐसे करके वो चिंता जता रही थी। तभी यीशु मसीह कहता है, मार्था मार्था तुम इतना चिंता क्यों करती हो और इतना परेशानी तुम क्यों उठा रहा है अपने सिर पर। मार्था तुम इतना चिंता मत करो, तुम्हारा बहन मेरी जो कि मेरा वचन सुन रहा है वह सबसे उत्तम काम वो कर रही है, क्योंकि यह वचन उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। लेकिन घर का काम, संसार का काम कभी खत्म नहीं होगा, और एक समस्या का समाधान करेगा तो दूसरा समस्या उत्पन्न होगा, लेकिन जो मेरा वचन को सुनेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए मैं सभी परमेश्वर का विश्वासी लोगों को ये आज प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए। आजकल बहुत सारा मीडिया निकल चुका है, यूट्यूब में और फेसबुक में और आप टीवी में, कहीं में भी, इंटरनेट में भी आप परमेश्वर का वचन को सुन सकता है, बाइबल का वचन को पढ़ सकता है। तो वचन को सुनना चाहिए, जितना सुनेगा आपका विश्वास उतना ही बढ़ेगा। जैसा रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में कहा है, विश्वास सुनने और सुनने के द्वारा ही आता है। इसलिए हमें वचन को सुनना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है गॉस्पल मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में कि परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा। पृथ्वी आकाश टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अजय और अमर है। और परमेश्वर का वचन कहता है गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वही वचन जो है शरीर का रूप धारण करके मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया, वह है यीशु मसीह। तो वचन बहुत ही शक्तिशाली है, जीवन देने वाला वचन है, और उस वचन को अगर हम ध्यान लगा के पढ़ाई करता है, ध्यान लगा के हम उसको अध्ययन करता है सुबह और शाम, और उस पर अमल करता है, तो हमारा जीवन जो है उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे में बोया गया है। जो नदी के किनारे बोया हुआ वृक्ष जो है, उसके पत्ता जो है कभी भी नहीं सूखता है, सीजन में, समय में, उसके ऋतु में वो फल देता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को ध्यान देता है उसका हर कार्य सफल होता है। साम नंबर 1 वर्सेस 2 और 3 में पढ़ने को मिलता है। और यीशु मसीह कहता है गॉस्पेल जॉन चैप्टर 4 वर्स 10 में, मैं ही जीवित पानी हूँ, जो कोई भी मुझे पिएगा उसके कभी भी प्यास नहीं लगेगा, वो हमेशा के लिए जो है सेटिस्फाई होगा। इसीलिए हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए। संसार का चीज हमें कुछ समय के लिए सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फिर से हमको भूख लगेगा, फिर से प्यास लगेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा जीवन और हमारा आत्मा के लिए फुल सेटिस्फेक्शन यानी तृप्त करेगा और हमारे जीवन के लिए रास्ता दिखाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें इस वचन के साथ। आमीन।